कामाख्या शक्तिपीठ। हिंदुओं के प्राचीन 51 शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ भारत के असम राज्य के गुवाहाटी जिले के कामगिरी क्षेत्र के नीलांचल पर्वत के कामाख्या नामक स्थान पर स्थित है। माता कामाख्या शक्तिपीठ को लेकर एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ स्थापना कथा। सती स्वरूपा महादेवी सती के पिता दक्ष ने अपने एक महत्व यज्ञ कार्य में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ आयोजन में पिता के द्वारा न बुलाने पर भी माता सती इस यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच गईं। इस पर राजा दक्ष ने देवी सती और उनके पति भगवान कैलाश नाथ का खूब अपमान किया। अपने पति का अपमान माता सहन ना कर सकी। पिता के द्वारा किए गए कृत्य के लिए स्वयं को दंड देने के लिए वे यज्ञ की जलती अग्नि में कूद गईं। भगवान शंकर ने जब अपनी प्रिय सती के विषय में यह सुना तो वे बेहद क्रोधित हुए और माता के शरीर को अग्नि कुंड से निकालकर कंधों पर उठाकर पृथ्वी पर इधर से उधर भटकने लगे। भटकते हुए माता के शरीर के अंग जिन स्थानों पर गिरे उन्हीं स्थानों पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। कामाख्या शक्तिपीठ में माता के शरीर का योनि अंग गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ पर माता की योनि की पूजा होती है। इसी वजह से इस मंदिर के अंदर के भाग के फोटो लेने की मनाही है। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार जब आम्बुवाची योग बनता है, इस अवधि में भूमि रजस्वला स्थिति में होती है। उन 3 दिनों में मंदिर के पट स्वयं बंद हो जाते हैं। 4th दिन मंदिर के पट खुलते हैं। इसके बाद विशेष पूजा करने के बाद ही माता की पूजा और दर्शन किए जा सकते हैं। जिन 3 दिनों में कामाख्या मंदिर के पट बंद रहते हैं, वे 3 दिन दिव्य शक्तियों और मंत्र शक्तियों के ज्ञाताओं के लिए किसी महापर्व से कम नहीं होता है। यह स्थान विश्व का कौमारी तीर्थ भी कहा जाता है। इन 3 दिनों में दुनिया और भारत के तंत्र साधक यहाँ आकर साधना के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गुवाहाटी के पर्वतीय प्रदेश में स्थित देवी के इस रूप को कामाख्या और भैरव को उमानंद कहा जाता है। कामाख्या मंदिर की महिमा। कामाख्या शक्तिपीठ जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान को कामरूप भी कहा जाता है। 51 पीठों में कामाख्या पीठ को महापीठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस मंदिर में एक गुफा है। इस गुफा तक जाने का मार्ग बेहद पथरीला है, जिसे नरकासुर पथ कहते हैं। मंदिर के मध्य भाग में देवी की विशालकाय मूर्ति स्थित है। यहीं पर एक कुंड स्थित है जिसे सौभाग्य कुंड कहा जाता है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ के विषय में यह मान्यता है कि यहाँ देवी को लाल चुनरी या वस्त्र चढ़ाने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तांत्रिक और छुपी हुई शक्तियों की प्राप्ति का महाकुंभ है कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या शक्तिपीठ देवी स्थान होने के साथ साथ तंत्र मंत्र की सिद्धियों को प्राप्त करने का महाकुंभ भी है। देवी के रजस्वला होने के दिनों में उच्च कोटियों के तांत्रिकों मांत्रिकों अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। इस महाकुंभ में साधु सन्यासियों का आगमन आम्बुवाची अवधि से 1 सप्ताह पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस कुंभ में हठ योगी, अघोरी बाबा और विशेष रूप से नागा बाबा पहुँचते हैं। साधना सिद्धियों के लिए ये साधु तांत्रिक पानी में खड़े होकर, पानी में बैठकर और कोई एक पैर पर खड़ा होकर साधना कर रहा होता है। अगर आप हमारी ये वीडियो महाखबर के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी ये वीडियो महाखबर के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलते रहेंगे आगे भी इसी तरह की कुछ जानकारियों और खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।